तो मुझे कहा गया है गोल्ड स्टैंडर्ड पे बात करने के लिए, राइट? तो फाउंडेशनल क्वेश्चन जो गोल्ड स्टैंडर्ड को समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हमारे सबके वॉलेट्स में कुछ बैंक नोट्स हैं, मेरे में 10-10 रुपए के हैं, सर के में 2000-2000 के हैं, तो कुछ नोट्स हैं, राइट? एंड हम क्या करते हैं, हम इनको एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ. मैं किसी को बैंक नोट्स देता हूँ और वो ले लेता है, ठीक है, राइट? बट दिस लेवल ऑफ ट्रस्ट इन पेपर करेंसी, राइट, जो हम बस ले लेते हैं वो नोट्स और कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि आगे भी एक्सचेंज हो ही जाएंगे ये, दिस इज़ समथिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड. हमें लगता है हमेशा से ही ऐसे होगा, हमेशा से ही पेपर मनी के ऊपर इतनी वैल्यू होगी, इतना ट्रस्ट होगा लोगों का. बट ये नहीं है, ये 50-40 साल पहले की बात है. अब इसका एक जवाब ये हो सकता है कि हम किसी से जिसने हमें कोई बैंक नोट दिया हम वो क्यों लेते हैं. एक जवाब तो ये हो सकता है क्योंकि RBI गवर्नर के सिग्नेचर है उस पर, राइट? इट्स अ लेजिट आंसर कि हाँ क्योंकि RBI गवर्नर हैज़ एसेंशियली गारंटीड टू अस कि उसकी वैल्यू उसमें मेंटेन रहेगी. नाउ हम बात कर रहे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड्स की, तो हम कह सकते हैं थोड़ा महंगे सवाल का थोड़ा सस्ता सा जवाब है, राइट? लाइक इट्स अ गुड आंसर बट इट डजंट रियली वर्क, राइट? बिकॉज अगर हम यहीं पर रुक जाएंगे तो हमें गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं समझ में आएगा, राइट? तो ये जो सवाल जो अभी मैंने पूछा, अगर बाय द एंड ऑफ दिस यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव ब्लाइंड फेथ इन पेपर करेंसी, यू वुड हैव एसेंशियली अंडरस्टूड गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑलराइट? क्योंकि इस सवाल का जवाब इकोनॉमिक्स से नहीं मिलता है. डिमांड और सप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें यह समझ में नहीं आता है कि हम पेपर मनी पर ब्लाइंड फेथ क्यों करते हैं. हमें इस सवाल का जवाब वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलता है, ऑलराइट? तो 300 साल पहले, लाइक 1700s के आसपास, एसेंशियली हो क्या रहा था कि पीपल हैड स्टार्ट बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स हैड स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर मनी, राइट? बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी इनकन्वीनियंट फॉर पीपल टू कैरी मेटल करेंसी विद देम, राइट? तो अब पेपर करेंसी दुनिया भर में चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है पेपर करेंसी पे, ठीक है? मतलब ये क्या है कि आपने पेपर, मतलब एक ट्री बार्क लिया, उसको मिल कर दिया, उसके ऊपर किसी कूल से बंदे की फोटो छाप दी और फिर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग अब उसको ऑन इट्स फेस वैल्यू ले लेंगे. आप उसमें लिख दिया कि $10 वैल्यू है और कोई आप वो पे बैंक नोट लेते हैं और कहते हैं कि आज से इसकी $10 वैल्यू है. इट्स अ वेरी वियर्ड आइडिया फॉर पीपल टू ऑब्जॉर्व. तो इसलिए लोग होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसको, पेपर करेंसी को, ऑलराइट? तो एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फेडरल रिजर्व इन यूनाइटेड स्टेट्स डिड समथिंग रेवोल्यूशनरी. एंड थिंक अबाउट हाउ स्टूपिड और क्रेजी दिस आइडिया इज. उन्होंने कहा कि आज से कोई भी $20 का नोट बैंक में ला सकता है और हम आपको 10 ग्राम सोना देंगे, राइट? कि आप लेके आओ नोट और हम आपको बस 10 ग्राम सोना देंगे ही देंगे, राइट? एंड दिस नगेट ऑफ एन आइडिया इज एसेंशियली गोल्ड स्टैंडर्ड. बिकॉज एकदम से क्या हुआ कि आपके पास जो बैंक नोट है वो किस चीज़ पे बैक कर रहा है, उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, सोने से, राइट? तो वो उसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड. अब इससे हुआ क्या, इससे दो तीन चीज़ें हुई. एक तो लोगों में भरोसा आ गया, राइट, कि हाँ ये जो हमको ये बैंक नोट है इसकी कोई वैल्यू है, कि हम कभी भी जा सकते हैं बैंक में और हमको सोना मिल जाएगा, राइट? इट्स ऑलमोस्ट अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हो गई. और जब लोगों ने ऑन द फेस ऑफ इट पैसे को एक्सचेंज करना शुरू किया, फ्रीली एक्सचेंज करना शुरू किया, तो आप में से बहुत लोगों ने इकोनॉमिक्स लगा ली होगी, तो आपको पता ना मॉनेटरी पॉलिसी, थिंक अबाउट इट, कि अगर लोग पेपर करेंसी से एक्सचेंज ही नहीं करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ से आएगी, राइट? वॉट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज एसेंशियली बैंकर्स डिसाइडिंग कि बैंक नोट्स कितनी सर्कुलेशन में रहेंगे. वो पावर ही बैंकर्स के पास कहाँ से आई? वो वहाँ से आई जब लोगों ने बैंक नोट्स एक्सचेंज करना शुरू किया. सो विद दिस डिवेलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? लाइक आर यू विद मी अप टिल नाउ? ऑलराइट. सो उसके बाद अब इसी टाइम पे कुछ बड़ी चीज़ें हो रही है दुनिया में, राइट? बट इन चीज़ों को दो चीज़ें सॉल्व करता है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है? पहला है इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति या सर्वज से, राइट? तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही सरकारें और बैंक्स पैसा प्रिंट करने लगते हैं और जैसे ही जंग आ जाती है, राइट, पीस टाइम में सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही जंग आ जाती है तो सरकारें क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रिंटिंग शुरू कर देती हैं, राइट? दिस जस्ट स्टार्ट प्रिंटिंग मनी, राइट? नाउ वी अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन का ब्रॉड कॉन्सेप्ट. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर मनी
the purchasing power per bank note goes down, right? The same amount of money can buy less things, है ना? तो अगर आप एक गरीब farmer हैं और आपकी सारी savings पैसे में है, bank notes में हो, और सरकार एकदम से बहुत सारा print कर दे, तो आपके तो मतलब आपकी तो मतलब आप you would have a lot of issues, right? That's what would happen. And then जब तक तो ठीक है, जब तक आप अपने ही लोगों के साथ ये कर रहे हैं. Now imagine what happens. So you're England, you've sold essentially you have other countries have a lot of your currency क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ खरीदा, ठीक है? आपकी करेंसी किसी और देश के पास है. अब अगर आपको उस देश के साथ नाइंसाफी करनी हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो. अगर आप अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट करते हो, तो उन्होंने जब आपसे $10,000 लिए थे, आज उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू गिर जाएगी, वो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे उन $10,000 से. तो ये तो मतलब एसेंशियली इकोनॉमिक वॉरफेयर हो गया, है ना? तो ये प्रॉब्लम जो थी इन्फ्लेशन वाली, गोल्ड स्टैंडर्ड एक तो इसको सॉल्व करता है, ठीक है? क्योंकि अब आप उतना ही प्रिंट कर सकते हो जितना आपके पास सोना है. यानी कि अगर आपने $10 प्रिंट किया, आपको अपनी तिजोरी में $20 मैंने बताई थी ना ओरिजिनल वैल्यू, अगर मैं $20 प्रिंट किया, तो आपको अपनी तिजोरी में $20 की वैल्यू के बराबर सोना रखना पड़ेगा, और तभी आप $20 प्रिंट कर सकते हैं, राइट? तो एक कंस्ट्रेन करता है सरकारों को, सरकारों को बोलता है कि भाई थोड़ा होश और हवास से काम लो, है ना? तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब दूसरी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो है एक्सचेंज रेट्स की. दूसरी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो है एक्सचेंज रेट्स की, ठीक है? अब इससे पहले तो क्या हो रहा था कि अगर आप इंग्लैंड और अमेरिका ले लेते हैं, ठीक है, आप एसेंशियली इंग्लैंड से गए अमेरिका बहुत सारा सामान लेके, एंड वहाँ पर क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था कि आपने एसेंशियली सिल्वर में पे किया और उन्होंने आपको सामान दे दिया, आपने सिल्वर वे किया और हो गया. लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि बैंक नोट्स पॉपुलर हो रहे हैं, तो आपके पास फनी ग्रीन लुकिंग करेंसी है, उनके पास फनी पिंक लुकिंग करेंसी है, ठीक है? अब आपको नहीं पता कि आप उनकी करेंसी लेके क्या उखाड़ लेंगे लाइफ में, और उनको नहीं पता कि आप वो आपकी करेंसी लेके क्या कर लेंगे लाइफ में, है ना? तो एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम आ गई, राइट? यू डोंट लाइक थिंक अबाउट इट, द वर्ड्स, राइट? एक्सचेंज रेट, यू एसेंशियली वॉन्ट टू एक्सचेंज स्टफ, बट यू डोंट क्वाइट नो वॉट रेट इट वुड गो फॉर, राइट? सो हाउ डज गोल्ड स्टैंडर्ड सॉल्व दिस प्रॉब्लम? US और इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं. US की सरकार ने कह रखा है कि आप $20 लाओ, ओके थिंक अबाउट इट, $20 लाओ और 10 ग्राम सोना ले जाओ, ठीक है? इंग्लैंड की सरकार ने कह रखा है कि आप $2 लाओ और 10 ग्राम सोना ले जाओ, राइट? सो फर्स्ट वन टू टेल मी कि एक्सचेंज रेट क्या हुआ है यहाँ पे? लाइक 20:2 है, तो 10:1 हो गया, 10:1 हो गया. यानी कि अब दोनों पार्टीज को ये पता है, जैसे ब्रिटिश पार्टी को ये पता है कि वो अगर £1 अमेरिकन पार्टी को देंगे, तो उनको उनसे $10 लेने हैं. क्यों? क्योंकि बीच में स्टेबलाइजर क्या है? सोना. सोने ने दोनों करेंसीज की वैल्यू को स्टेबलाइज कर दिया, राइट? तो एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? सो दिस इज वाई गोल्ड स्टैंडर्ड केम इन टू बींग, राइट? तो अब इस पे क्वेश्चन आया, सो लाइक इफ अ क्वेश्चन टर्न्स अप, दिस इज व्हाट आई विल राइट, ऑलराइट? सो देन अक्रॉस द 19th सेंचुरी 1800 से लेकर 1900s तक क्या हुआ कि सभी सरकारों ने डिसाइड किया कि वो अब वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहेंगे, ठीक है? वो रैंडमली वो जितना प्रिंट हो सकता है उतना प्रिंट नहीं करेंगे, वो बस इतना ही प्रिंट करेंगे जितना सोना उनको अलाउ करता है प्रिंट करना, ठीक है? तो अब होता क्या है कि कई बार ये सब सरकारें सारी करती हैं ये, लेकिन फिर क्या होता है, जंग हो जाती है, राइट? 1815 नेपोलियनिक वॉर्स, है ना? उस टाइम पे सरकारों को ये थोड़ी ना फर्क पड़ेगा कि सोना है कि नहीं है, वो तो ये सोचेंगे भाई हमको जंग जीतनी है, तो वो जितना हो सके उतना प्रिंट करती हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही पीस टाइम आता है, वो दोबारा गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ जाती हैं, राइट? सो द ट्रेंड अक्रॉस द 19th सेंचुरी वॉज दैट वाइल देयर इज वॉर टाइम, दे वुड अबैंडन द गोल्ड स्टैंडर्ड. And as soon as there is peace time, they would come back to the gold standard. इनको हम बोलते हैं demand side shocks, क्योंकि demand की वजह से पंगा हुआ. फिर किसी को California gold rush के बारे में पता है क्या हुआ था? तो basically हुआ क्या था, California जो state है US में, वहाँ पर दुनिया भर का सोना मिल गया था, ठीक है? तो international market सोने से flood हो गया, है ना? सोना ही सोना. अब आपका system gold standard का किस assumption पे काम कर रहा है? इस assumption पे काम कर रहा है कि सोना लिमिटेड है, इसलिए सरकारें लिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट करेंगी.
और अब एकदम से हो गया कि सोना ही बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो सरकारें बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कॉमर्स और ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ जो जो बैंक नोट्स है वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम सप्लाई साइड शॉक, ठीक है। तो सप्लाई साइड शॉक्स भी हो रहे हैं और डिमांड साइड शॉक्स भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने शॉक्स के बावजूद भी गोल्ड स्टैंडर्ड अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आम इंसान इस टाइम तक ये भरोसा नहीं कर सकता है पेपर बैंक नोट पे कि वो अपनी वैल्यू पे फ्लोट कर सकता है। उनको चाहिए, उनको दिमाग में चाहिए कि भाई अगर मेरे पास $20 का नोट है तो पीछे सोना अकंपनिंग होना चाहिए, वरना उसकी वैल्यू क्या है, है ना। और फिर इस टाइम पे जब सबको लग रहा था कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड इज हेयर टू से, देन कम्स द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑलराइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एवरीवन रियलाइजेस कि भाई मतलब सीन हो गया है, और लेट्स स्टार्ट प्रिंटिंग एज मच मनी एज वी कैन। ऑलराइट, एंड लाइक दैट्स व्हाट हैपेंस, कंट्रीज जस्ट कीप प्रिंटिंग मनी टू सर्व देयर नीड्स। एंड इस टाइम पे होता क्या है कि इन्फ्लेशन, वर्ल्ड वॉर के बाद भी हाइपर इन्फ्लेशन, याद है किसी को, वाइमार रिपब्लिक, राइट, वो हो जाता है। तो इस टाइम पे जैसे हमको दो एग्जांपल्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो है जर्मनी का। जर्मनी रियलाइज्ड कि जब हाइपर इन्फ्लेशन हो रही, तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब कोई वैल्यू तो है नहीं, सोना तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि सारा सोना तो वॉर में चला गया। सारा सोना इनफैक्ट कहाँ चला गया था, US में, ठीक है, क्योंकि US ट्रेडिंग पावर बन गया, तो सारा सोना यूरोप का फ्लो कर रहा था US में, सोना तो है नहीं, लेकिन बैंक नोट्स के पीछे कोई स्टेबलाइजिंग वैल्यू भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार जर्मनी में सबसे अच्छे रेट किस चीज़ के चलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों किस पे है। उन्होंने कहा ज़मीन पे है, प्लॉट वगैरह कटते हैं तो एकदम से मतलब ज़मीन पे भरोसा हो रहा है। तो उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह लैंड स्टैंडर्ड बना दिया। उन्होंने कहा कि आज से इस बैंक नोट की वैल्यू इतनी ज़मीन के प्लॉट के बराबर होगी, राइट। सो दैट्स देयर वे ऑफ कोपिंग विद द फैक्ट कि गोल्ड स्टैंडर्ड सस्टेनेबल नहीं है। इंग्लैंड ने बड़ी प्यारी चीज़ की, उन्होंने कहा, उनका भी गोल्ड स्टैंडर्ड था, उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सब एक देश के वासी हैं और हम सबको अपना देश इतना पसंद है, हम मतलब जी जान से प्यार करते हैं हम अपने देश से, तो जिनके पास भी नोट हैं, बैंक नोट्स हैं, आप प्लीज़ बैंक में मत आइए और रिडीम मत कराइए देश के लिए, है ना। और वो भी कुछ हद तक काम चल कर गया, ठीक है। और फिर सबको लगा कि अब हम धीरे धीरे आ जाएंगे वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे, और तभी हो जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, ठीक है। नाउ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आई थिंक वी डन दैट येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, राइट। सो वी नो व्हाट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज। नाउ अप टिल देन, अप टिल द ब्लैक ट्यूजडे एपिसोड, सबको लगता था कि हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बारे में। लेकिन there's this person by the name of John Maynard Keynes, right? We know a little about John Maynard Keynes, the great economist. उसने कहा कि आप कुछ कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप मार्केट में डिमांड और सप्लाई के साथ खेल सकते हैं। तो अगर सरकार मार्केट में कमोडिटीज़ की डिमांड और सप्लाई के साथ खेलेगी, तो उनको क्या चाहिए होगा, उनको चाहिए होगा फ्लेक्सिबल मनी सप्लाई इन द मार्केट, राइट। अगर वो चाहते हैं कि किसी चीज़, बैंक RBI जब चाहता है कि डिमांड बढ़ जाए तो क्या करता है, बैंक रेट कम कर देता है। क्यों करता है? ताकि लोगों के हाथ में कैश आए, है ना। तो अमेरिका की सरकार भी यही चाहती थी कि लोगों के हाथ में पैसा है, डिमांड बढ़ जाए, लेकिन दिक्कत क्या थी, उनको सोना रखना पड़ता था बराबर, तो यानी कि ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ से बंधे हुए थे, है ना। तो अमेरिका की सरकार ने सोल्यूशन निकाला अंडर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, देयर वर बंच ऑफ डिक्रीज लाइक लॉज, लेकिन वो सब जानने की जरूरत नहीं। व्हाट दे डिड वाज दे सेड कि आज से गैर कानूनी है किसी भी अमरीकी नागरिक के लिए सोना रखना, बुलियन रखना, जिस सोने को एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर मनी, वो सोना रखना गैर कानूनी। तो आज से देश के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड बंद हो गया है, ठीक है। अब आप नोट लाओगे तो सरकार को सोना नहीं देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी बहुत मतलब टंटेफ हो रखे हैं, तो उनके लिए अभी भी चलेगा। वो अगर करेंसी लाएंगे तो हम उनको अभी भी देंगे, लेकिन देश के अंदर बंद हो गया है, ठीक है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड को आधा झटका आज लग चुका है, ठीक है। एंड सबको लगा कि चलो ठीक है, मतलब जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन के कॉन्सिक्वेंसेज खत्म होने शुरू हुए, सबको लगा चलो दोबारा आ जाएंगे हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे, राइट, क्योंकि मनी विदाउट गोल्ड स्टैंडर्ड लाइक क्या ही है, राइट। फिर आ जाता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट, क्योंकि जिंदगी बहुत टेढ़ी होती है ना। तो फिर आ गया आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वही चीज़ें हैं, राइट, एकदम से
हुआ क्या कि यूरोप के पास इतना सोना ही नहीं है कि वो डिमांड मेंटेन कर पाए, तो सारा सोना कहाँ फ्लो कर रहा है? यूएस में. ठीक है, यूएस इज बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड क्योंकि सारा सोना वहाँ पर पड़ा हुआ है. ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आती है कि इंग्लैंड ओज अ लॉट ऑफ डेट टू यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, इंग्लैंड को बहुत सारे पैसे देने हैं अमरीका को. इंग्लैंड अमरीका को तब तक पैसे नहीं दे सकता जब तक फ्रांस इंग्लैंड को पैसे ना दे. ठीक है, और फ्रांस इंग्लैंड को जब तक लेकिन क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एसेंशियली पूरी फ्रांस में ही हुई थी, तो फ्रांस इंग्लैंड को जब तक पैसे नहीं दे सकता जब तक जर्मनी उसको पैसे ना दे. अब हमको याद है ट्रीटी ऑफ वारसा है, वहाँ पे कुछ ड्रामा हुआ था, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज वॉर गिल्ट क्लॉज और 600 पता नहीं कितनी 600 है ना. तो अगर वही दोबारा किया तो दोबारा से है ना, तो इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि रेपरेशंस कम से कम रखे जाएंगे एंड द रीपेमेंट कंडीशंस वुड बी सिंपलर. उनको इतना तंग नहीं करते हैं, थोड़े बेचारे मतलब बार बार आ जाते हैं वो. ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया. तो जब उन्होंने फैसला लिया तो पूरे दुनिया के इम्पॉर्टेंट लीडर्स और अमेरिका के इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट बैठे एक जगह पे जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स. ठीक है, और उन्होंने अब फैसला लेना है कि क्या करना है. देखो, पिछली बार हमने जो सिस्टम बनाया था उसकी वजह से दोबारा वॉर होगी, अब हम नहीं चाहते कि 20 साल में दोबारा वॉर हो जाए. तो उन्होंने कहा कि अब मतलब करेंसीज का क्या होगा क्योंकि किसी के पास मतलब इकोनॉमी दुनिया की रुइन हो चुकी है. तो अब यहाँ से जस्ट पे लाइक अ लॉट ऑफ अटेंशन. ऑलराइट, सो अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज से ऐसा करते हैं कि यूएस डॉलर किस में रिडीमेबल होगा? गोल्ड में. यानी कि यूएस डॉलर किस पे पैक्ड है? गोल्ड पे. यूएस डॉलर की वैल्यू कहाँ से आ रही है? गोल्ड से. और जो बाकी दुनिया की करेंसीज हैं वो किस पे पैक्ड होंगी? यूएस डॉलर पे. ठीक है, क्योंकि इतना सोना तो है नहीं. तो उन्होंने कहा कि यूएस डॉलर, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट सो दैट लाइक इट स्टेज इन मेमोरी, यूएस डॉलर की वैल्यू आ रही है सोने से और दुनिया की बाकी सारी करेंसीज की वैल्यू आ रही है यूएस डॉलर से. ऑलराइट, एंड दिस इन असेंशियलिटी इज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम. लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही दुनिया भर की इकोनॉमी ग्रो की, बाद में जाके फ्रांस वगैरह सब मतलब ग्रो करना शुरू हुआ, तो हुआ ये कि बाकी करेंसीज भी रिक्यूपरेट कर गई. तो फ्रांस का एक प्रेसिडेंट होया करता था चार्ल्स डी गॉल. ऑलराइट, जिसने ओके लेट दैट बी. चार्ल्स डी गॉल वाज ऑलवेज निफी अबाउट अमेरिकाज प्रीडोमिनेंस इन द वर्ल्ड. चार्ल्स डी गॉल ने कहा कि आपने कहा है कि हमारे पास, तो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर हो क्या रहा था कि हर देश को बहुत सारे डॉलर्स रखने पड़ेंगे अपने पास, है ना, ट्रेड करने के लिए. तो चार्ल्स डी गॉल ने कहा हमारे पास बहुत सारे डॉलर पड़े हैं और इन्होंने कहा है कि डॉलर को हम रिडीम कर सकते हैं सोने में. तो इन्होंने भेज दिए नेवी, फ्रांस की नेवी पहुंच गई यूएस, कहा कि ये लो अपने डॉलर्स संभालो और हमें दे दो सोना. ठीक है, और यूएस को करना पड़ा है क्योंकि रिडीमेबल है. ऐसे कर करके बाकी देश भी करने लग गए, है ना, बाकी देश भी मतलब नेवीज भेजने लग गए यूएस में और कहा कि हमको सोना दे दो. राइट, बहुत अच्छी स्कैम, बहुत अच्छा लाइक पिरामिड सी स्कीम चल रही थी. देन केम वियतनाम वॉर इन 1960s, लेट 1960s. वियतनाम वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था कि यूएस वॉज इनकरिंग अ लॉट ऑफ लॉसेज एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था कि यूएस की जो करेंसी थी दैट वॉज ओवर वैल्यू. नाउ आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू दिस, बट द आइडिया बीइंग कि जितने परचेजिंग पावर होनी चाहिए थी यूएस डॉलर की उतनी थी नहीं. तो रिचर्ड निक्सन ने 1971 डिसाइडेड कि आज से यूएस डॉलर गोल्ड में रिडीमेबल नहीं है. ऑलराइट, एंड दिस इज वेयर लाइक ऑल थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही 1971 में रिचर्ड निक्सन ने कहा कि आज से आप ये नहीं कर सकते कि डॉलर लाएं और हमसे सोना ले लें, तो हो क्या रहा है, बाकी पूरी दुनिया की करेंसीज किस पे पैक्ड है? यूएस डॉलर पे. और अब यूएस डॉलर किस पे पैक्ड है? नथिंग, राइट, क्योंकि अब गोल्ड पे पैक्ड नहीं है. तो दुनिया शॉक तो आया लेकिन असेंशियली अब लोगों ने क्या रियलाइज किया कि हमारी सारी करेंसीज असेंशियली फ्लोट कर रही हैं. राइट, क्योंकि हमारी पैक्ड किस पे है? डॉलर पे. डॉलर किसी भी चीज पे पैक्ड नहीं है तो बस फ्लोट कर रही है. राइट, और ये जो सिस्टम है, फ्लोटिंग सिस्टम, आज भी चलता है. आज भी यूएस डॉलर के बेसिस पे हम अपनी रुपी की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, है ना. आज भी हम एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. राइट, वो यहाँ से आता है. तो यू अंडरस्टैंड नाउ वाई वी टेक द एवरी बैंक नोट ऑन इट्स फेस वैल्यू. क्योंकि उससे पहले तो हर एक के दिमाग में था कि गोल्ड है पीछे, अब गोल्ड नहीं है.
राइट. सो इट्स अ बिट रेवोल्यूशनरी, राइट. इट्स अ बिट ट्रिकी, इट्स अ बिट वियर्ड, राइट, कि हम नोट लेते हैं और उसकी वैल्यू को हम सोचते हैं कि जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि वो नोट है. सो वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग रुपी नॉट फॉर द वैल्यू ऑफ द रुपी बट फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इट प्रोवाइड्स. ऑल राइट. सो दिस वॉज असेंशली गोल्ड स्टैंडर्ड. एंड इफ यू हैव सम डाउट्स लाइक यू कैन आस्क मी, बट आई थिंक लाइक राज सर वुड वॉन्ट टू गेट एन एज सून एज पॉसिबल.